नमस्कार, मैं राधा सोनी। आज आपको अपनी फ्रेंड के फार्म का सीन दिखाने जा रही हूँ, जिस पर गंगा मंडल बनाकर, अमृत मिट्टी बनाकर ऑर्गेनिक खेती करी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ कितने विशाल पेड़ हैं, नीम के पेड़। और ये देखिए पीपल का पेड़, ये देखिए कितना विशाल पेड़ है। ये देखिए खेत में अमृत मिट्टी बनने की तैयारी हो रही है। और इसमें हमारे सहयोगी हैं, ये रिंकू जी। ये देखिए ये गन्ने के हस्क बिछा रही हैं। और ये हैं प्रेमचंद जी। ये प्रेमचंद जी और ये रिंकू जी हमारी मदद करेंगे ये ऑर्गेनिक मिट्टी बनने की तैयारी, यानी कि अमृत मिट्टी बनने की तैयारी। ये देखिए अमृत मिट्टी बनाने के लिए पहले हमने पत्ते और गन्ने का हस्क अमृत जल में भीगा हुआ बिछाया। उसके बाद हमने मिट्टी की एक लेयर बिछाई। और ये देखिए रिंकू जी पाँव से एक सार कर रही हैं। आप भी जब बनाएं तो पाँव से एक सार ऐसे करें, ऐसे बार बार एक फुट तक अपनी लेयर बनेगी। ये देखिए अमृत मिट्टी की एक फिट की लेयर बन गई है। पहले अमृत जल में भीगे हुए सूखे पत्ते, फिर मिट्टी, फिर सूखे पत्ते, फिर मिट्टी, और इसमें सभी तरह के पत्ते लिए गए हैं। ये देखिए अब इसको 7 दिन बाद पलटी मारा जाएगा, जिससे नीचे की लेयर ऊपर आ जाएगी। 7 दिन तक इसमें नमी बनाए रखेंगे। ये देखिए अमृत मिट्टी का बेड बनकर तैयार हो गया है और इसको हरे चारे से ढक दिया गया है। अगर आपको हरा चारा नहीं मिले तो आप गन्ने के रस निकाले हुए जो छिलके होते हैं वो डाल सकते हैं, सूखे पत्ते से डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप टाट बोरी रख सकते हैं। इसमें अमृत जल डाल डाल के नमी बनाए रखना ज़रूरी है। अगर इसमें नमी बनी रहेगी तभी हमारे माइक्रोब्स इस पर काम करेंगे और अच्छे वाले जीवाणु आएंगे जो हमारी फ्री की लेबर होगी, हमारे लिए काम करेगी। धन्यवाद।